हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आया हम लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन। यदि दोस्तों आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उनसे ज़रूर जुड़े, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले किसी भी भर्ती से रिलेटेड कोई भी लिंक हो, एडमिट कार्ड वगैरह हो, या कोई भी PDF या नोट्स वगैरह हो, सबसे पहले मिलते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। चलिए दोस्तों, देखिए शुरू करते हैं आज की लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन। में सबसे पहले बात करता हूँ दोस्तों इग्नू। देखिए, जो दिल्ली ओपन बोर्ड है दोस्तों, उसमें BEd के एडमिशन 2022 का जो है दोस्तों, वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। जिसको ओपन से इग्नू से BEd करनी है उसके 2022 का एडमिशन यानी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। उसके बाद इग्नू में ही दोस्तों ओपन से BSc नर्सिंग के एडमिट कार्ड भी, जो माफ कीजिएगा, BSc नर्सिंग के एडमिशन 2022 के, ये भी रजिस्ट्रेशन दोस्तों आपके स्टार्ट हो गए हैं। उसके बाद बात करता हूँ दोस्तों NTA NCHM, दोस्तों NTA NCHM JEE में दोस्तों एग्जाम 2022 का जो है ना, न्यू एग्जाम रिवाइज नोटिस जारी किया गया है दोस्तों इनके द्वारा। पहले जो एग्जाम डेट थी उसको पोस्टपोन कर दिया है दोस्तों। तो जो न्यू एग्जाम रिवाइज नोटिस है उसमें दोस्तों इन्होंने 8 जून को एग्जाम डेट दी है। 8 जून को आपका एग्जाम होगा NTA NCHM JEE का। उसके बाद उत्तराखंड UK यानी उत्तराखंड दोस्तों में 824 पदों पर, देखिए 824 पद हैं, इसमें पोस्ट हैं फीमेल हेल्थ वर्कर की। फीमेल हेल्थ वर्कर ये 824 पद है उत्तराखंड के अंदर। इनके पदों पर आवेदन आपके शुरू हो गए हैं। इसमें एज क्राइटेरिया रहेगा, 18 साल आपकी मिनिमम उम्र होनी चाहिए आवेदन करने के लिए, और 13 अप्रैल तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 13 अप्रैल इस जो फीमेल हेल्थ वर्कर है आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 अप्रैल रहेगी। उसके बाद अगली भर्ती है दोस्तों आर्मी में ग्रुप C के पदों पर भर्ती निकली है। इसमें कुल 14 पद हैं, इसमें मैस वगैरह है, कुक वगैरह है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से इनमें वेरियस पोस्ट हैं आर्मी में, कुल 14 पद हैं। योग्यता 10वीं पास है, 10वीं पास इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके आवेदन आपके दोस्तों 26 मार्च से शुरू होंगे, यानी कि जो ना दोस्तों 26 मार्च से 14 अप्रैल तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद राजस्थान में एक और बड़ी भर्ती निकली है, 12वीं पास लैब असिस्टेंट के दोस्तों 1012 पदों पर लैब असिस्टेंट की भर्ती निकली है राजस्थान के अंदर। इसमें जो 12वीं पास प्लस लैब का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों, ये योग्यता रहेगी। और एज क्राइटेरिया इसमें मिनिमम 18 साल आपकी रहेगी। उसके बाद हरियाणा रोडवेज रोहतक में 36 पदों पर भर्ती निकली है अप्रेंटिस के लिए। हरियाणा रोडवेज रोहतक में 36 पदों पर भर्ती निकली है। उसके बाद SSB ड्राइवर एंड ट्रेड्समैन के पदों के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप हमारे दे दिया गया है और टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अभी तक की लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नई वीडियो में नई लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।